प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमन योजना के हितग्राहियों से संवाद किया। उन्होंने लोरमी में वर्चुअल कार्यक्रम में बेगा आदिवासियों से बातचीत की। कार्यक्रम का लोरमी नगर के कबीर सामुदायिक भवन में लाइव प्रसारण भी हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग शामिल हुए। कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि कौशल विकास सहित कुल 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा, साथ ही शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। बहनों के जीवन में उजियारा आए, सरकार की सारी योजना उन तक पहुंचे, और हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस दल के संस्थापक नेता ने एकात्म मानववाद प्रतिपादन किया, जिसका उद्देश्य था कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, और उसी को लक्ष्य लेकर के आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे जिला प्रशासन, हमारे कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ जो के द्वारा जो शिविर का आयोजन किया गया, लगभग 3000 लाभार्थी सम्मिलित हुए थे, 3000 लोगों को लाभ मिला था। तारीख को आज प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को संदेश दिया, पूरे देश को संदेश दिया। ये जो महाअभियान चलाया गया, उस महाअभियान में हमारे ज़िले में विभिन्न योजनाओं में लोगों को लाभ दिलाया गया है। मुख्य रूप से इसमें PVTGs हैं जो अति पिछड़ी जनजाति के कैटेगरीज में आते हैं, वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास सेवाएँ पहुँचाने में उनको बेनिफिट्स मिलने में तकलीफ़ें रहती थीं, उसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उपमुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था उसके तहत ये पूरा कार्यक्रम किया गया, और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। इसकी आप सभी को मैं बधाई देता हूँ।